केजरीवाल सरकार की वापसी क्यों होगी जी, 5 साल जाने को हो रहे हैं, अभी तक एक काम नहीं कर रखा है। क्या लग रहा है केजरीवाल वापसी करेगी नहीं? केजरीवाल जीतेगा, कोई जीत ही नहीं सकता, मेरा दावा है। अच्छा, हाँ जी। इस देश की जनता मुफ्तखोर होगी ना, उस राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता, और ये गलत नीति है। 5 जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसमें एक आम आदमी को राहत दी है केजरीवाल सरकार ने। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, कितने लोगों का वहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर? मैंने कभी विजिट नहीं किया, सॉरी, मैंने कभी विजिट नहीं किया उसमें। मोहल्ला क्लिनिक का ना देखा ही नहीं है, है कहाँ, आज तक नजर नहीं आया, मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा कहीं भी। कोई अगर आपको पता लगे हमें जरूर यहाँ बता देना। ये बताओ, कहने और करने में बड़ा फर्क पड़ता है। अभी बताइए, रोड सामने आप देख रहे हैं ना, अभी इमरजेंसी आग लग जाए तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, ऐसा है उपाय? आप देख रहे हैं, आप तो प्रेस वाले हैं, रिपोर्टर हैं, अभी मान लीजिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मंडावली में कोई काम हो जाए, ये गाड़ी नहीं जा सकती, सारे गाड़ी रोड से रुका पड़ता रहता है, तो क्या केजरीवाल काम कर रहे हैं? अपने क्या निर्णय किया? कोई निर्णय नहीं कर सकता, आज तक इस एरिया में हमारा विधायक यहाँ तक उसने राउंड नहीं लिया। तो विधायक जी आपके पास आए नहीं? सूतिया बना रहा है दुनिया को कि मैं किताब फ्री दूंगा और एडमिशन फ्री कराऊंगा, मेट्रो फ्री कराऊंगा, वजीफा फ्री करूंगा। अभी बोल रहा है कि उसके क्या नाम है, इलेक्शन के बाद ये सब मैं सब माफ कर दूंगा, और ये हार के आएगा ये क्या माफ करेगा? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के अंदर, हम आपको बताना चाहेंगे जो दिल्ली है, कुछ महीने बचे हैं अब केवल चुनाव आने में, अब ऐसे में देखना ये है कि अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे पिछले 5 सालों में पूरे हुए, क्या केजरीवाल सरकार वापसी करेगी, अब की बार दिल्ली की जनता के क्या मुद्दे होंगे, बातचीत करेंगे इन्हीं तमाम सवालों को लेकर। हमारे साथ दिल्ली की जनता यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश मेहरा है जी। तो सर ये बताइए, जैसा कि क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल सरकार की वापसी हो रही है? केजरीवाल सरकार की वापसी क्यों होगी जी, 5 साल जाने को हो रहे हैं, अभी तक एक काम नहीं कर रखा है, और अपनी लाज बचानी पड़ रही है, या अपनी लुटिए डूबी ही को बला से फिर से बचाने के लिए अब इस 2-3 महीने में सारी घोषणाओं पर घोषणा करते जा रहे हैं, और इससे पहले वो 4.5 साल में घोषणाएं क्यों नहीं की? अब वो घोषणा करने का भी कारण क्या है? छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़े, गोवा में चुनाव लड़े, पंजाब में चुनाव लड़े, हरियाणा में चुनाव लड़े, सब जगह चुनाव लड़ते लड़ते देख लिया है, कहीं पर भी एक सीट तो छोड़ो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो छोड़ो, जमानत भी जब्त होगी, और क्या नाम था केजरीवाल का ये भी पता नहीं, यहाँ तो करो या मरो की स्थिति में ये काम उनको करना पड़ रहा है कि भाई मैं नहीं तो यहाँ नहीं रहूँगा तो फिर मैं राजनीति में ही नहीं रह पाऊंगा, मुझे लोग पहचान ही नहीं पाएंगे, वो वाले काम जो उसने किए हुए हैं। इससे ऐसी घोषणाएं कर रहा है, कभी 200 यूनिट तुम्हारी बिजली फ्री, कभी तुम्हारा मतलब की रुका हुआ बिजली का पानी का बिल फ्री, कभी इस प्रकार की घोषणाएं करके लोगों को फिर बरगला रहे, फिर लोग बाग उनके झांसे में आकर के वही प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर वही 4.5 साल केजरीवाल फिर से गायब हो जाएंगे। आज आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटन है। तो क्या लग रहा है केजरीवाल वापसी करेगी नहीं? केजरीवाल जीतेगा, कोई जीत ही नहीं सकता, मेरा दावा है। अच्छा, हाँ जी। तो कौन से कार्य अच्छे लगे केजरीवाल के दिल्ली में? अच्छी कर रहा हो, हर चीज अच्छी कर रहा, दिल्ली में किसी ने नहीं दिया जितना वो कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चुनाव के केवल 3 महीने रह गए हैं, तो ऐसी घोषणा अभी क्यों हुई, अब से पहले कहा थी केजरीवाल सरकार? सरकार कहीं भी, लेकिन केजरीवाल हमें ये लग रहा है उसने जो करा है हर आदमी के लिए, छोटा बड़ा ही नहीं देख रहा, सबके लिए सोचा। तो कितना सही है, को क्या चाहिए? एक बात बताइए मुझे, कितना सही है, बिजली फ्री दे दीजिए, पानी फ्री दे दीजिए, अंकल क्या कहेंगे, क्या वाकई सही है? नहीं सही है, नहीं। इस पर ऐसा है, जो मुद्दे इन्होंने 5 साल पहले उठाए थे, हम ये नहीं कहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ये कुछ मुद्दों पे अपने इन्होंने अपनी जो घोषणा की है उस पे सफल भी हुए हैं, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकती पब्लिक, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे ये अपना फोकस नहीं कर चुके, इन्होंने मेनली पानी पे और बिजली पे इन्होंने ये कहा था अभी हम गरीब जनता को इसका राहत देंगे, और वो इन्होंने दी है, वो इसका बेनिफिट इनको मिला भी है और मिलने के चांस भी हैं। और रही बात ये भाई जीतेगा कौन, मुझे लगता है जो पीछे चुनाव हुए थे उसमें से 67 आए थे, अब वो चीज़ नहीं होगी, मेरा अपना आकलन है, आगे पब्लिक जो है। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मेट्रो फ्री कर देंगे, DTC बस फ्री कर देंगे, पैसा कहाँ से आएगा, जो जनता के लिए विकास है सड़कें कहाँ से बनेगी फिर? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि भाई हम मेट्रो और DTC फ्री कर देंगे, ठीक है, जो इनके मेट्रो मैन हैं श्रीधरन, उन्होंने भी यही कहा है,
अगर मेट्रो फ्री करोगे तो मेट्रो की वो परिस्थिति नहीं रहेगी जो आज की डेट में है, क्योंकि भी किसी भी संस्थान को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। जब ये पैसा किस पर चला जाएगा, फ्री सफर के लिए, महिलाओं के लिए, किसी के लिए भी। आपने अभी देखा होगा मेट्रो में कितनी भीड़ रहती है, पैर रखने तक की जगह मेट्रो में नहीं है। हाँ, हम ये मानते हैं, उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ। अगर ये फ्री करते हैं तो लॉस रेवेन्यू किसको होगा? मेट्रो को होगा। वो कहाँ से क्षतिपूर्ति करेंगे वो सरकार जाने, पर मुझे लगता है कि ये कदम बड़ा टिपिकल रहेगा। अच्छा, कितनी खरी उतर पाई केजरीवाल सरकार पिछले 5 सालों में? मेरा ख्याल 50% खरी नहीं। क्या लग रहा है, केजरीवाल सरकार की वापसी होगी नहीं होगी? मुश्किल है उनकी वापसी। ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काफी काम किया है केजरीवाल सरकार ने, गरीबों के लिए काम किया, आप कह रहे हैं मुश्किल है? यहाँ तो कोई दिखता नहीं है जो इन्होंने कुछ काम किया हो। इन्होंने जो वादे किए थे, स्कूल, कॉलेज, सीसी कैमरे, वो कहाँ गए? कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। जो पहले कहते थे हमने इतने हॉस्पिटल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, वो वहीं के वहीं हैं। और स्कूलों में इन्होंने किया भी क्या? खाली पेंटिंग कर रखी है उन्होंने, रंग पेंट कर रखा है। तो रहे कि इतने अच्छे स्कूल बना दिए गए हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। कौन कह रहा? हमें तो सुनने में ना कि वो खुद ही कह रहा, मैं बना भी रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा वो, ना वो आगे करेगा वो। तो बिजली पर डिस्काउंट दे दिया, पानी पर दे दिया, और क्या चाहिए? किसको दे रहा बिजली? वो पहले जो 2 महीने का बिल आता था, आज वो 1 महीने में आ रहा। डिस्काउंट किसको दिया उसने? 200 यूनिट से कम अभी तक तो आया नहीं किसी का भी। अच्छा, अब आगे देखते हैं किसका आता किसका नहीं। तो क्या लग रहा है, हमारा तो अभी आया नहीं, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो मेरा तो यही कहना जी, जो सेंटर में बैठे हैं वो स्टेट में आए, और निगम पार्षद भी उन्हीं का ही है, बहाना बाजी चलेगी फिर। मेरा कहने का मतलब ये है, जो सेंटर में सरकार बैठी है और बीच में जो बैठे हैं वो आम आदमी पार्टी वाले, वो उनको बहाना चाहिए। ऊपर वाले कुछ करने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी कुछ करने नहीं दे रहे हैं। मैं तो करना चाहता हूँ, उसका बस का ही नहीं है, तो बोलेगा ही वो कुछ करने नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ उनको हटाओ, उसको लाओ जो करेगा, बहाना नहीं चलेगा। हम निगम पार्षद के पास जाते हैं, कहते हैं भैया वो उसकी उसका काम है, उसके पास जाते हैं कहते ऊपर का काम है। जब एक सरकार नीचे ऊपर तक आएगी बहाना नहीं चलेगा। इस देश की जनता मुफ्तखोर होगी ना, उस राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता। और ये गलत नीति है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो अपना टैक्स देते हैं मेहनत की कमाई से, और ये इनमें लुटा रहे हैं। NRC भी लागू होनी चाहिए दिल्ली में, ठीक है ना जी? तो जो घुसपैठिए हैं हमारे हिंदुस्तान में घुसे हुए, चाहे दिल्ली है, चाहे हमारे हिंदुस्तान का कोई सा भी एरिया है, उसमें से बाहर निकलने चाहिए। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले केजरीवाल का बयान आया था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले UP और बिहार के लोगों को बाहर किया जाएगा। किससे? दिल्ली से? UP और बिहार वालों को किस लिए बाहर कर देंगे भाई? वो घुसपैठिए थोड़ी हैं, वो किसी बाहर कंट्री से थोड़ी आए हैं। अच्छा, आपको 5 साल में क्या कमियां दिखाई दी केजरीवाल सरकार? सारी कमियां हैं, किसका क्या काम हुआ है बताओ? आज तक इसका, इस एरिया का जो विधायक था वो आज तक हमने तो देखा नहीं। अच्छा, कहाँ है विधायक? हमें तो दर्शन नहीं हुए। लेकिन केजरीवाल सरकार तो कह रही है हमने इतने काम करा दिए, कॉलेज बना दी, हमने पानी की व्यवस्था कर दी, घर घर लाइट पहुंचा दी, सस्ती बिजली कर दी। एक बात बोलना चाहता हूँ, जहाँ आप खड़े हैं ना, ये स्टैंड है DTC का, और यहाँ देख लो क्या हालात है। यहाँ पर जब से कह रहा कि हम ऐसे बस चलाएंगे मंडावली वालों के लिए, कोई बस नहीं आई, मतलब उनका काम है झूठ बोलना, वोट लेना और दूसरों पर आरोप लगाना कि वो करने नहीं दे रहे, बस इनका यही है। सुशील कुमार। तो सुशील जी, क्या लग रहा है, क्या केजरीवाल सरकार वापसी करेगी नहीं करेगी? देखिए, तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल मानना है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ना राजनीतिक विचारधारा से हूँ। 5 जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उसमें एक आम आदमी को राहत दी है केजरीवाल सरकार ने, तो ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी कौन आएगा। लेकिन इनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं कहता हूँ कि पहले टेंट पे स्कूल होते थे, बिल्डिंगे बनी है ना, तो भी सरकार ने बनाई है, इसने कितनी बिल्डिंगे बना दी है और कितने स्कूल इसने नए और खोले हैं। बोल तो रहे हैं जनता को क्या चाहिए दिल्ली में रहने के लिए, पानी, बिजली। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते किसके हैं उनसे पूछो, यहाँ तो किसी के, मैं ख्याल लगता नहीं, कोई सब प्राइवेट पढ़ाने वाले हैं सब, और सरकारी स्कूल में वो व्यवस्था पहले थी, वो ही आ जाए, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको केजरीवाल सरकार के कौन से 5 कार्य अच्छे लगे? यही 5 बेसिक चीज़ें हैं जो केजरीवाल सरकार ने आम आदमी को मुहैया कराई हैं, गरीब जनता को। मैं समझता हूँ लगभग 4-5 हज़ार का, और शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य में बहुत बड़ा काम है उसका, दवाइयाँ मुफ्त हैं और सारे टेस्ट अवेलेबल हैं वहाँ पे, और अगर टेस्ट नहीं मिलते हैं तो
उसे हायर हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है। आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, कितने लोगों का वहाँ पर इलाज हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं हैं? मैंने कभी विजिट नहीं किया, सॉरी मैंने कभी विजिट नहीं किया उसमें। मोहल्ला क्लिनिक का ना देखा ही नहीं है, है कहाँ आज तक नजर नहीं आया, मैं ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा कहीं भी। कोई अगर आपको पता लगे हमें जरूर यहाँ बता देना। चौधरी रामचंद सिंह। तो चौधरी साहब ये बताइए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बीजेपी की सरकार सूतिया बना रहा है दुनिया को, ठीक है? 10% लगा के और ऊपर चार्ज कर रहा है बिजली का बिल, आप चेक करो कहीं भी। बिजली तो कह रहे 200 यूनिट से कम। अरे मैं कह रहा हूँ कोई फ्री नहीं है, जाके देखो 9000 का बिल है। अच्छा, एसी दो है, 9000 का बिल है दोनों एसीयों का, कोई हिसाब है किसी चीज का? पानी जो है, पानी बोलता है मैंने 20000 फ्री कर रखा, और एक यूनिट फालतू आ गई तो उसका चौकना लगा के वो रख देता है। तो सब बेवकूफ बना रहा है, जिसका फ्री कर रखा है ना वो बड़े आदमियों पर सब पर डाल रखा है। तो जैसा 5 साल में वादे किए थे, खरी नहीं उतर पाई क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई खरी नहीं उतरी है, कोई भी खरी नहीं उतरी। अच्छा, जैसे चुनाव झूठ के पुलंदा है सब, झूठ के। अच्छा ठीक है, क्या मैं किताब फ्री दूंगा और एडमिशन फ्री कराऊंगा, मेट्रो फ्री कराऊंगा, वजीफा फ्री कराऊंगा। अभी बोल रहा है कि उसके क्या नाम है, इलेक्शन के बाद ये सब मैं सब माफ कर दूंगा, और ये हार के आएगा ये क्या माफ करेगा? बीजेपी आएगी बेटा, चिंता मत करें। अंकल ऐसा ना हो वापसी हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, जनता हमारे साथ है, ठीक है? आप बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल, हम बीजेपी के साथ। बीजेपी के कौन से कार्य अच्छे लगे? बीजेपी के टोटली, आप ये बताइए जो 70 साल में काम नहीं हुए वो मोदी साहब ने करके दिखा दिया। जो 70 साल में काम नहीं हुए वो मोदी जी ने करके दिखा दिए। तो बंगाल के अंदर, अच्छा, 3 बीघा, सुना था आपने कभी? नहीं सुना होगा यार, नाम छोटे आपसे, ठीक है? तो वहाँ रोजीना गोली चलती थी, वो उन्होंने निपटा दिया। अपने जो आदमी थे उधर अंदर उनको बॉर्डर पर ले लिया, और उनकी जमीन भी बॉर्डर पर ले ली बंगाल से, उसे बांग्लादेश से, और वो काम ही खत्म कर दिया उन्होंने, ठीक है? तो केजरीवाल जी को आपने सुना होगा, देखो धारा 370 35 से 2 सेकंड के अंदर किसी को पता भी नहीं चलने दिया किस तरह तोड़ी है। आप ये देखिए ना मोदी जी के काम, तो कितना असर होगा दिल्ली के चुनाव पर? दिल्ली के तो आप देखते रहो ना कितना असर होगा, पूरा ही होगा, पूरे जीत के आएंगे हम 100%। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता है क्या? अरे नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ यार बीजेपी का। अच्छा। मैं नहीं हूँ कुछ भी बीजेपी का, मैं तो जो अच्छा काम करता है उसको वोट देता हूँ।